हाय गाइस, स्वागत है आप सभी के आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा अपने मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अपने मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर कैसे बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं फ्रेंड्स, अपने मोबाइल को कंप्यूटर बनाकर जैसा कंप्यूटर वर्क करता है सेम वैसा ही ये वर्क करेगा। जैसा कंप्यूटर का स्क्रीन रहता है वैसा ही कंप्यूटर का स्क्रीन में दिखाई देगा फ्रेंड्स। जैसा कंप्यूटर में जो फंक्शन रहता है वही फंक्शन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो को शुरू करते हुए छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद हो लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करें, घंटी प्रेस करिए ताकि आपको यूट्यूब से ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पर मिले। इसके लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। प्ले स्टोर में आपको टाइप करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पंचर फोर आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे इस तरह का पेज खुल गया फ्रेंड्स। यहाँ पे सेकंड में इसका लिंक है, देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जगह आप डाउनलोड करिएगा। इसको पहले से मैंने इंस्टॉल करके रखा है, यहाँ चलिए मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन जैसे ही करेंगे आपके पास इस तरह का यूज़र इंटरफेस खुल के आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। इसको थोड़ा राइट के साइड यहाँ पे ले जाना है। यहाँ पे लिखा गेट स्टार्ट, इस पर आपको क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक, यहाँ परमिशन मांगा आपको, यहाँ पे अलाउ देना, फिर से अलाउ कर देना, यहाँ पे अलाउ कर देना। जैसे अलाउ करेंगे यहाँ पे गेट स्टेटस पे आपको क्लिक करना। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे थोड़ा आपको यहाँ पे वेट करना है, ये ऑटोमेटिकली खुल के आपके पास स्क्रीन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा हमारा यहाँ देखिए कंप्यूटर यहाँ पे हमारा बन चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पे फिर मेरा मोबाइल यहाँ पे कंप्यूटर बन चुका, देखिए ये कंप्यूटर ऐसा पर वर्क करा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इसके कट कर देना है। यहाँ पे पूरा आपको फंक्शन यहाँ पे आपको दिखाई, यहाँ पे गूगल आपको दिखा देगा, जो उसमें आप मंगाना चाहते हैं यहाँ पे गूगल आपको यहाँ पे दिखा देगा, जो यहाँ पे मंगा सकते हैं। सेम ये वैसा ही ये वर्क करता है फ्रेंड्स यहाँ पे। चलिए और भी फंक्शन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए यहाँ पे ये जीमेल आ गया, यहाँ पे प्ले स्टोर आ गया, यहाँ पे जो पिक है, यहाँ कैमरा है, यहाँ मैप आ जाएगा, यहाँ पे पूरा मोबाइल का जो फंक्शन रहता है वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। फिर साइड में यहाँ नीचे दिखा देंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको फ्लाइट मोड मिल जाएगा, वाईफाई मिल जाएगा, यहाँ पे ऑल सेटिंग मिल जाएगा, यहाँ पे लाइट मिल जाएगा, यहाँ पे पूरा आपको सेटिंग, यहाँ पे लोकेशन मिल जाएगा, पूरा साउंड का जितना सेटिंग यहाँ पे आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे ये यहाँ से हट जाएगा। आपको यहाँ से कॉल करना है, यहाँ पे कॉल का इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप कॉल कहीं लगा सकते हैं, यहाँ ट्रू कॉलर, यहाँ पे फ़ोन, यहाँ पे किसी कॉल लगा सकते हैं। ये पूरा कंप्यूटर ऐसा फ्रग, यहाँ पे थोड़ा आपको इसमें थोड़ा टच करके रखे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए वॉलपेपर आ जाएगा। यहाँ पे इस पर क्लिक करना तो यहाँ पे सेट, यहाँ गैलरी, कैमरा, यहाँ पे पूरा आपको फंक्शन, यहाँ पे कैमरा ऐसा होम आ जाएगा, यहाँ पे पूरी आपको सेटिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे देगी। यहाँ पे जो मैंने ऐप यहाँ डाउनलोड किया, यहाँ पे वो ऐप है, यहाँ पे चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पीएनजी पे, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स आ गया, यहाँ पे डाउनलोड जितना वो आ जाएगा, यहाँ पे वीडियो आ जाएगा, यहाँ पे पूरा फंक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा यहाँ पे। चलिए और भी फंक्शन यहाँ से मैं आपको दिखला देता हूँ। यहाँ पे यूज़र पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूरा आपको फंक्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। अगर फ्रेंड्स आप कॉन्टैक्ट निकालना चाहते हैं, यहाँ पे साइड में कॉन्टैक्ट इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जितना कॉन्टैक्ट रहेगा वो कॉन्टैक्ट यहाँ पे शो कर जाएगा, जितना कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा वो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शो कर देगा। फ्रेंड्स, मैंने आप तो कोई इतना ही तक बताया फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन है कमेंट करके पूछ सकते हैं।